जब सुगमता के साथ सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तब निवेश आता है, और जब निवेश आता है तो वह रोजगार के भी सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, बड़े भूमिका का निर्वहन करता है। और ये बड़ी भूमिका का निर्वहन इस रूप में जो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुआ है, ये वैसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार को रिफॉर्म करने पड़े, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देना पड़ा, लैंड बैंक बनाना पड़ा, और लैंड बैंक बनाने के बाद जो कार्यक्रम सामने आए हैं आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आपने इसी गीड़ा में देखा होगा, यहां पे इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड ने, गैलेंट उद्योग ने, अंकुर उद्योग ने, केयान डिस्टिलरीज ने, ज्ञान दूत ने, तत्वा प्लास्टिक्स ने, ये सभी निवेश यहां पे अब तक पूरे हो चुके हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस का भी लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश है। और इसके साथ ही गीडा के द्वारा भी प्लास्टिक पार्क बनाने की कार्रवाई, फ्लैटेड फैक्ट्री और गारमेंट पार्क को बनाने की कार्रवाई, ये सभी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। आज न केवल गीडा में बल्कि गीडा प्रशासन के पास धूलियापार में भी, जहां पे हम लोगों ने एक सीवीजी प्लांट इंडियन ऑयल की मदद से लगाया है, कंप्रेस्ड बायोगैस का, जितना भी पराली होगी इस पराली से इथेनॉल बनाने और उसके माध्यम से हम लोग पराली की समस्या का समाधान करके पर्यावरण को बचाने का काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की खपत को भी कम करने में मदद कर रहे हैं, और वहां पर भी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्रवाई हो रही है।